गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। बच्चा लोग, हम लोग देख रहे थे हीट ट्रांसफर, ओके। और हमने अभी तक तीन मॉड्यूल्स कवर किए थे, वो बेसिकली थे नॉर्म कंडक्शन के ऊपर। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ मॉड्यूल ऑन कन्वेक्शन, ओके। सो देर आर थ्री डिफरेंट डेरिवेशंस इन थ्योरी एंड बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस मॉड्यूल। तो काफ़ी छोटा मॉड्यूल है बट न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान है और थ्योरी आपको पता ही है कि तीन डेरिवेशंस करके रखो उसमें से एक डेरिवेशन पक्का आएगा। सो विथ ऑप्शंस इसका वेटेज है 25 मार्क्स। सो 20 मार्क्स, एटलीस्ट 20 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं इस कन्वेक्शन के थ्रू, ओके। तो गलती से भी गलती मत करना, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना, इसको लाइटली मत लेना। छोटा सा है, शॉर्ट एंड स्वीट है, बट इसका वेटेज इज अप्रोक्सीमेट 20 to 25 मार्क्स, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इसके फॉर्मूलाज क्या क्या यूज हो गए। फर्स्ट वन इज अ रेनॉल्ड्स नंबर। एस यहाँ पे ना बेसिकली चार टाइप के नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, नसल नंबर है, प्रांटल नंबर एंड ग्रेशॉफ नंबर। दीज आर दी डायमेंशन लेस क्वान्टिटी यूनिट्स, सॉरी दीज आर दी डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है वह देखते हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ पे। सो रेनॉल्ड्स नंबर इज नथिंग बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रो वेल अपॉन म्यू, रो फॉर डेंसिटी, वी फॉर वेलोसिटी, एल सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एंड म्यू फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। तो गाइस यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका, तो एयर का। तो एयर की वेलोसिटी कहाँ पे कंसिडर होती है, फोर्स कन्वेक्शन में। बेसिकली कन्वेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, प्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट मॉडल में। सपोज आपकी मम्मी ने आपको टी सर्व किया है, ओके। और पुराने जमाने में आपने देखा होगा तो बड़े शौकीन लोग क्या करते थे, डिश में उसको लेके उसको कूलिंग करते थे और फिर उसको पीते थे। तो बिना फूक मारे आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कन्वेक्शन। सो सपोज आपने काफी गर्म है और आपको काफी ठंडा करना है, फटाफट जल्दी ठंडा करना है। सो एक काम करो, उसको डिश में ले लो चाय को और उसको कूल होने दो, तो भी वो क्विकली ठंडा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया। सो जो एडजेसेंट एयर जो था उसने उसका हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस वो लाइट हो गया। सो जो कूलिंग एयर था, जो एडजेसेंट एयर था, सो इट विल मूव डाउनवर्ड्स, और जो हीटेड एयर था इट विल मूव अपवर्ड। सो वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा और एयर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं प्री कन्वेक्शन। एंड फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, सपोज आपने फैन लगा दिया, ब्लोअर्स यूज किया, या तो फिर आपने फूक मार मार के उसने अपने चाय को ठंडा किया, तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। क्योंकि आप वहां पे एयर को वेलोसिटी दे रहे हो और उसको वहां पे भेज रहे हो कि फटाफट कूलिंग कर। तो ये पार्ट होता है फोर्स कन्वेक्शन का। तो फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरा बाइक स्टेशनरी है, ओके, वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, मैंने उसको स्टडी कंडीशन में उसको रन कर रहा हूँ, तो उसका कूलिंग कितना होगा, सॉरी उसका हीट ट्रांसफर रेट कितना रहेगा। मैं उसको 50, 60, 70 किलोमीटर के स्पीड पे अगर मैं बाइक को रन कर रहा हूँ तो इंजन का कूलिंग कितना होगा, ओके। सो जहाँ पे वेलोसिटी आती है वहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन आता है। तो फोर्स कन्वेक्शन आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि वेलोसिटी है, बाकी किसी फॉर्मूला में वेलोसिटी यूज नहीं होती है। नसेल्ट नंबर NU इज इक्वल टू HLC बाय K। गाइस ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा क्योंकि नसेल्ट नंबर आपको गिवन रहेगा, LC आप खुद निकालोगे कि आपको दिया जाएगा, नसल नंबर से आपको H फाइंड आउट करना है और Q इज इक्वल टू HASDT, क्योंकि चैप्टर क्या है, कन्वेक्शन है, और कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या है, QHASDT। तो जो H चाहिए वो आपको हमेशा कौन देगा, ये नसल नंबर देगा, फिर कॉमन स्टेप होगा। प्रांटल नंबर म्यू CP अपॉन K,
डायनेमिक विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये भी यूज होता है रिलेशन में ग्राशॉफ नंबर। तो ग्राशॉफ नंबर का फॉर्मूला है एल सी क्यूब रो स्क्वायर बी जी डेल्टा डी अपॉन म्यू स्क्वायर। अगेन एल सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, रो फॉर डेंसिटी, बीटा बीटा क्या होता है वो नीचे देखते हैं, जी फॉर 9.81, डेल्टा टी फॉर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, फ्लूड का एंड सरफेस एरिया का डिफरेंस होता है, डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर। तो गाइज तो फ्री कन्वेक्शन होगा तो ग्राशॉफ नंबर वहां पे यूज होता है क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होती है, और जहां पे फोर्स कन्वेक्शन आता है वहां पे रेनॉल्ड नंबर यूज होता है। तो बेसिकली इनको याद रखना, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फ्री कन्वेक्शन की फोर्स कन्वेक्शन, तो वहां पे चेक करो ग्राशॉफ नंबर है तो फ्री कन्वेक्शन है, अगर वहां पे रेनॉल्ड नंबर प्रेजेंट है देन इट विल बी फोर्स कन्वेक्शन। ओके, और एक और कंटिन्यूटी इक्वेशन अपने बचपन में सिखाया होगा मम्मी ने, एम डॉट इज इक्वल टू कितना होता है रो ए वी बार, रो फॉर डेंसिटी, ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी फॉर वेलोसिटी। ओके, सो अभी देखते हैं मेरे ग्राशॉफ नंबर में म्यू कहां से मिलता है। सपोज अगर म्यू आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, सपोज म्यू आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा तो वो कैसे फॉर्म में दिया जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू आपने सीखा होगा न्यूरो, म्यू इज इक्वल टू न्यूरो, न्यू फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ऐसे करके भी आप म्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट बीटा, तो बीटा क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ टीएफ, टीएफ इज नथिंग बट ए मीन फिल्म टेम्परेचर। सपोज इस पाइप में से पाइप का टेम्परेचर टीएस और पाइप के अंदर का फ्लूड का टेम्परेचर टीबी, टीबी, तो फिल्म कहाँ पे फॉर्म होती है, सरफेस एरिया ऑफ फ्लूड, इन दोनों के बीच का जो एडजेसेंट लेयर होता है, जो कॉमन लेयर होता है वो होता है फिल्म। तो टीएफ क्या रहेगा, फ्लूड का टेम्परेचर प्लस सरफेस का टेम्परेचर डिवाइड बाय टू। तो आप एवरेज करना पड़ेगा तो जाके आपको टीएफ मिलेगा, बट रिमेम्बर टीएफ को आपको केल्विन में ही पुट करना है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी नहीं है, यहाँ पे टीएफ है, सिंगल टेम्परेचर है, तो केल्विन में पुट करना है। ओके, और ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी कहाँ से आएगा, तो टीएस माइनस टीबी मीन सरफेस का टेम्परेचर डीप माइनस अंदर के फ्लूड का टेम्परेचर टीबी। ओके, तो वहां से डेल्टा टी, सो टीएस वेयर टीएस इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर, टीबी इज द बल्क मेन टेम्परेचर। गाइस समटाइम्स कैसे होता है कि फ्लूड का टेम्परेचर भी गिवन नहीं होता है, दे विल मेंशन कि इनलेट का टेम्परेचर इतना था टी आई, आउटलेट का टेम्परेचर है टी ओ, देन फाइंड आउट टीबी। तो टीबी कहाँ से आएगा, तो इनलेट एंड आउटलेट का क्या करोगे आप, एवरेज करोगे, देन यू विल गेट टीबी। आई होप यू आर गेटिंग मी। नेक्स्ट टाइप नंबर टू, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर समटाइम्स लेंथ पूछा जाता है, एम डॉट पूछा जाता है, मीन्स न्यूमेरिकल कैसे होता है। सपोज मुझे इतना टेम्परेचर डिफरेंस ना मेंटेन करना है, मुझे मेरे फ्लूड का एच इतना है, मेरे पाइप का सरफेस एरिया इतना है, तो गाइज मुझे बताओ कि मैं कितना लेंथ रखूँ तो जाके मुझे इतना टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होगा, या तो फिर मैं मास फ्लो रेट कितना रखूँ तब जाके मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको एक डेरिवेशन, सॉरी एक इक्वेशन आपको यूज होगा, वो क्या होगा, सपोज एक पाइप है, ये पाइप आइदर वो हीट रिजेक्ट करेगा या तो फिर एब्जॉर्ब करेगा, बट वो शेयर किसके साथ होगा, अंदर वाले फ्लूड के साथ। तो बाहर का पाइप है, मीन सरफेस है, सॉलिड है, अंदर क्या है, फ्लूड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कन्वेक्शन। तो क्यू कन्वेक्शन इज नथिंग बट क्या रहेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या तो फिर कितना हीट रिजेक्ट हुआ। तो क्यू कन्वेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच एस डेल्टा टी, तो एच ए एस डेल्टा टी मीन्स टी एस माइनस टी बी, और क्यू एब्जॉर्ब कितना हुआ कितना रिजेक्ट हुआ वो क्या रहेगा, एम सी पी डेल्टा टी। ओके, सो इनर का फ्लूड या तो फिर आउटर का फ्लूड जो भी मैक्सिमम होगा माइनस मिनिमम करेंगे। सो याद रखना क्यू कन्वेक्शन का होता है एच एस डेल्टा टी, और हीट एब्जॉर्ब हीट रिजेक्शन का कितना होगा, एम सी पी डेल्टा टी। नेक्स्ट अभी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेते कहाँ से वो देखना है हमें। तो गाइज हमने इसके पहले कंडक्शन देखा है, तो कंडक्शन में हमने एल सी कहाँ से यूज किया था, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया यूज किया था, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया हम यूज करते थे कंडक्शन में। बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की। सपोज एक क्यूब है जिसका साइड है ए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली लेंथ प्लस विड्थ का एवरेज लेना है। तो लेंथ और विड्थ तो यहाँ पे सेम ही है, तो ए प्लस ए डिवाइड बाई टू, सो ट्वाइस ए डिवाइड बाई टू, दैट इज ए। नेक्स्ट उसका लेंथ है बी, उसका विड्थ है ए, हाइट तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया बट उसकी जरूरत भी नहीं है, एल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू।
हॉरिजॉन्टल डेस्क है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या रहेगा, 0.9 आउटर डायमीटर कैपिटल डी. आउटर डायमीटर इसलिए क्योंकि नीचे भी एक सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या होल है हैविंग अ डायमीटर स्मॉल डी, तो भी मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. मेरा एलसी कितना रहेगा, 0.9 आउटर डायमीटर डी. तो ये शब्द आपको याद रखने हैं. सपोज एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पाइप का एलसी कितना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एरोज दिखा है कि आपको फ्लिक हो जाए. तो यहाँ पे क्या है, एलसी इज इक्वल टू डी, क्योंकि मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली देखता हूँ तो मुझे उसका डायमीटर दिखता है, तो एलसी इज इक्वल टू डी. गाइस ये मेरा लॉजिक है, क्योंकि बाहर करना मतलब हर चीज़ तो एज इट इज बाहर नहीं होगी, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो जाके वो इजीली बाहर हो सकता है. स्पीयर का कहीं से भी देखो आपको डायमीटर के अलावा कुछ पैरामीटर दिखेगा ही नहीं, तो एलसी इज इक्वल टू डी. यहाँ पे जो है एक एनुलर पाइप है, आउटर डायमीटर डी इनर डायमीटर स्मॉल डी. तो यहाँ पे क्या किया है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, सॉरी एरिया राइट, तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर माइनस पाई डी और कॉमन वेटेड एरिया, कॉमन मतलब अंदर का डी. तो पाई पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन डी. तो ये फॉर्मूला भी उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स में. अगर वर्टिकल पोजीशन की बात करते हैं तो वर्टिकल पोजीशन में आपको क्या करना है, वर्टिकल डायमेंशन को कंसिडर करना है. तो यहाँ पे सामने देखो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट कितना ए, विड्थ कितना बी, बट मुझे वर्टिकल डायमेंशन में वर्टिकल ही डायमेंशन को कंसिडर करता हूँ. सो वर्टिकल पोजीशन का क्या डायमेंशन है, वर्टिकल ए, तो एल सी इज इक्वल टू ए. वर्टिकल डिस्क है तो उसका डायमीटर डी. यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन क्या है, एच है. वही हॉरिजॉन्टल में होता तो उसका डायमीटर डी होता, सॉरी एल सी क्या होता, डी होता, बट यहाँ पे वर्टिकल पोजिशन में इसलिए उसका एच है. ओके okay, और यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या हो रहा है, फ्लूड पास हो रहा है, उसका वर्टिकल डायमेंशन है बी, बी विड्थ है ए, उसका लेंथ है सी. तो यहाँ पे वन अपॉन एल सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी. अभी इसको मैं याद कैसे रखना है वो बोलता हूँ. देखो फ्लूड को परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, बी है, और फ्लूड को पैरेलल डायमेंशन क्या है, सी है, तो ए का रोल ही नहीं है. तो पैरेलल डायमेंशन एंड वर्टिकल डायमेंशन परपेंडिकुलर डायमेंशन यहाँ पे कंसिडर करना है और आपको इन्वर्स करना है, देन यू विल गेट एलसी. ओके सो इसका प्रैक्टिस करो एक बार लिख के, तभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे इसका यूज कैसे होता है. गाइस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है उसका मॉडल, देन उसका टाइप. क्या बोला है, ए हॉट प्लेट ऑफ 100 सेंटीमीटर हाइट, स्टार्ट इमेजिनेशन. ए हॉट प्लेट ऑफ 100 सेंटीमीटर हाइट है, 25 सेंटीमीटर विड्थ, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर 25. तो ये ऑब्जेक्ट है सॉलिड, बाहर है एयर, और सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लेट कितना है, 95 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइंड आउट हीट लॉस फ्रॉम द बोथ सरफेस. तो गाइस यहाँ पे हीट ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, विद इन सेम मटेरियल फिर विद इन अ डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम, देयर इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ कन्वेक्शन. नेक्स्ट तो फिलहाल तो मैं रुकता हूँ क्योंकि इफ इफ आई एम इज केस टू एंड केस थ्री स्टार्ट होगा तो कन्फ्यूजन होगा, सो बेटर कि मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ. उन्होंने मुझे यहाँ पे गिवन डेटा में आपको दिया जाएगा उस मटेरियल का रो, उसका सी पी, उसका के और उसका न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये गिवन रहेगा, और आपको फाइंड आउट करना है हीट लॉस फ्रॉम द बोथ सरफेस. सो लेट्स सी, तो वर्टिकल डायमेंशन तो एच विड्थ बी, एच और बी गिवन है. फिर उन्होंने बोला है एयर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो एयर को हम क्या बोलते हैं, टीबी. ओके क्योंकि फ्लूड है ना तो हम टीबी बोलेंगे उसे, 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मैंने कन्वर्जन करके लिया केल्विन में. सरफेस का टेम्परेचर गिवन था 95 डिग्री सेल्सियस. ओके और थर्मल थर्मा फिजिकल प्रॉपर्टीज ये गिवन रहेगा, रो केजी पर मीटर क्यूब, सीपी किलो जूल पर केजी केल्विन, वैट, ये सब कुछ दिया जाएगा. और ये देखो गाइस ये वैट में है, ये मीटर स्क्वायर में है, केजी में, ये किलो जूल में है, तो उसको यूज करते वक्त जूल में कन्वर्ट करके लेना. सो 10^3 करके यहाँ पे लेना है. तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10^3, अदरवाइज एज इट इज पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट
आपको यहाँ पे एक और रिलेशन दिया है एंडिंग में. यूज द फॉलोइंग रिलेशन. ए नसेल नंबर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन ब्रैकेट ग्राशॉफ नंबर इन टू प्रांटल नंबर रेस टू एम. ये कब यूज होगा रिलेशन? इफ ग्राशॉफ नंबर प्रांटल नंबर इफ इट इज लेस दैन इक्वल टू 10^9 देन यूज c इज इक्वल टू 0.59 एंड यूज m इज इक्वल टू 1/4. सो गाइस ये आपका रिलेशन है. ओके देखो नसेल नंबर निकालना है तो मुझे ग्राशॉफ नंबर निकालना पड़ेगा, मुझे प्रांटल नंबर निकालना पड़ेगा. तो ग्राशॉफ और प्रांटल का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो अगर वो इक्वल टू या तो फिर लेस देन 10^9 आता है तो यहाँ पे आपको c कितना लेना है 0.59 लेना है और यहाँ के m कितना लेना है 1/4 लेना है. बट अगर इन केस प्रोडक्ट ऑफ ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 10^9 तो आपको सी का वैल्यू कितना लोगे यहाँ पे 0.1 और एम का वैल्यू 1/4 ही लेना है. ओके तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर. और हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करना है फॉर बोथ सर्फेसेस. बोथ सर्फेसेस मतलब उसको ट्वाइस करना पड़ेगा. तो गाइज मुझे आप बताओ यहाँ पे आपको ग्राशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर निकालना है. तो ग्राशॉफ एंड प्रांटल का फॉर्मूला क्या है याद होगा तो आपको. प्रांटल नंबर का क्या है यू सी पी अपॉन के, यू सी पी अपॉन के. ग्राशॉफ नंबर का एल सी क्यूब रो स्क्वायर बी जी डेल्टा टी अपॉन म्यू स्क्वायर. तो गिवन डेटा में मुझे क्या क्या दिया है, रो दिया है, सी पी दिया है, के दिया है, म्यू दिया. मुझे म्यू दिया है क्या? डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं. म्यू कहाँ से मुझे मिल सकते हैं? म्यू रो. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख के, ऑब्जेक्ट देखो कैसा है, वर्टिकल प्लेट है. तो वर्टिकल प्लेट का वर्टिकल पोजीशन का वर्टिकल डायमेंशन आपका क्या होता है, एलसी होता है. तो एलसी यहाँ पे क्या आ गया, एच, दैट इज 1 मीटर. नेक्स्ट मुझे आगे जाके ग्राशॉफ नंबर निकालना है. ग्राशॉफ नंबर का फॉर्मूला एलसी क्यूब, तो एलसी हो गया. रो गिवन है. बीटा निकालना है, बीटा कहाँ से आएगा? तो बीटा होता है 1/TF inverse. और टी एफ कहाँ से आता है, फ्लूड का टेम्परेचर मीन्स टी बी प्लस सरफेस का टेम्परेचर डिवाइड बाय 2. तो टी बी दिया है क्या गिवन डेटा में? यस 25. टी एस भी दिया है. दोनों का एवरेज करो आपको क्या मिलेगा, टी एफ मिलेगा. बट वो केल्विन में पुट करना है और फिर उसका इन्वर्स करना है, देन यू विल गेट बीटा. ओके जी कितना होता है 9.81. डेल्टा टी, डेल्टा टी कहाँ से आएगा, टी एस माइनस टी बी से. सो टी एस कितना है 95 माइनस टी बी कितना है 25. तो आपको डेल्टा टी कहाँ से आएगा, टी एस माइनस टी बी करते हैं. म्यू, म्यू दिया है डायरेक्टली नहीं, बट म्यू क्या होता है, म्यू रो. तो म्यू दिया था, रो दिया था, प्रोडक्ट निकाला, म्यू फाइंड आउट किया. तो गाइस आपको मिल जाएगा ग्राशॉफ नंबर. फाइन अभी क्या बचा है, प्रांटल नंबर. प्रांटल नंबर क्या होता है, म्यू सी पी अपॉन, म्यू सी पी अपॉन क्या. तो गाइस म्यू हमने अभी जस्ट निकाला था, सी पी गिवन है, के गिवन है. So, मुझे प्रांटल नंबर मिलेगा. फिर मैं काम करता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ. दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ, मुझे वैल्यू आया 3.99 × 10^9. और यहाँ पे क्या बोला था, इफ इट इज ग्रेटर देन 10^9 तो मुझे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. क्योंकि 10^9 मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 4 × 10^9 है. तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10^9 तो मुझे सी यूज करना है 0.1, एम यूज करना है 1/4 और जी आर पी आर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देन यू विल गेट नसेल नंबर. ओके तो सब कुछ पुट किया, सी पुट किया, जी आर पी आर यहाँ का प्रोडक्ट पुट किया, एम का वैल्यू 1/4 सेलेक्ट किया, देन यू विल गेट नसेल नंबर. पर नसेल नंबर का यूज क्या है, नसेल नंबर का फॉर्मूला क्या था, एच एल सी अपॉन के. गाइस आपको एल सी पता है, आपको के पता है, आपको न्यू पता है, देन यू विल गेट एच. और एच का यूज कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है. तो हमेशा एमयू का काफ़ी ज़्यादा एहसान रहेंगे हम पे, क्योंकि वो हमें एच देगा और एच से हमें क्यू मिलेगा. सो क्यू केस वन है, इसलिए मैंने क्यू वन बोला. एच ए एस टी एस माइनस टी बी डेल्टा टी. तो गाइस यहाँ पे गलती मत करना, सरफेस एरिया चूज करने में. यहाँ पे प्लेट था तो लेंथ इंटू विड्थ, सॉरी हाइट इंटू विड्थ, बट बोथ सरफेस बोला है इसलिए इंटू टू करना है. टी एस पता है, टी बी पता है, एच आपको मिला है, फुट करो, क्यू वन निकालो वैट में. ओके समझा है? क्या किया, सबसे पहले ग्राशॉफ नंबर निकाला, प्रांटल नंबर निकाला,
दोनों का प्रोडक्ट चेक किया, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मुझे सी मिलेगा एम मिलेगा। उन दोनों को यूज करो, नसल नंबर फाइंड करो, फिर नसल नंबर का फॉर्मूला यूज करके एच निकालो, फिर एच का फॉर्मूला क्यू में डाल के क्यू निकालो। ये प्रोसीजर हर न्यूमेरिकल में सेम रहेगा। अभी केस टू में क्या होता है, इफ द हाइट, ओके केस टू है, इफ द हाइट ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर, इनिशियली कितना था हाइट 100 था, रिड्यूस किया 250 सेंटीमीटर, मतलब मेरा क्या चेंज हुआ, एच चेंज हुआ। विड्थ इज इंक्रीज बाय 15, इनिशियली कितना था 25 प्लस 15 करो कितना मिलेगा 50 सेंटीमीटर। तो इस बार डायमेंशन चेंज हुआ, एच हुआ 0.5 और बी 25 प्लस 15 तो 40 सेंटीमीटर, सो 0.4 मीटर। तो आपका एल सी कितना आएगा, वर्टिकल हाइट 0.5 मीटर। सो आपका एल सी यहाँ पे चेंज हुआ, ओके okay, बाकी कुछ भी नहीं बोला, मतलब मटेरियल सेम रहेगा, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे आपका एल सी चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है, हीट लॉस फाइंड आउट करना है फॉर बोथ सरफेस। तो अगेन यहाँ पे हीट लॉस चेंज हुआ है तो ग्राशॉफ भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राशॉफ किस पर डिपेंड है, एल सी पर डिपेंड है। तो आपका एल सी चेंज हुआ है, बट रो चेंज नहीं हुआ, बीटा चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी चेंज नहीं होगा, म्यू भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ एल सी, एल सी चेंज हुआ इसलिए आपका ग्राशॉफ नंबर भी चेंज होगा। बाकी प्रांटल नंबर म्यू सी पी अपॉन के, ये तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मटेरियल प्लेट का वही है, एयर का भी वही है, तो म्यू सी पी अपॉन के आपका केस वन का चल जाएगा। ओके अगेन क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो और चेक करो, वो कितना आया 4.99 × 10⁸, विच इज द लेस देन 10⁹। ये क्या 10⁹ से कम है, सो इस बार मैं सी कितना लूंगा, यहाँ पे 0.59, और एम कितना लूंगा 1/4, और यहाँ पे पुट करूंगा और फिर क्या निकालूंगा नसल नंबर। ओके नसल नंबर मुझे मिला 18.18, बट नसल नंबर क्या है, एच एल सी अपॉन के है, सो नसल नंबर पता है, एल सी मुझे पता है, के मुझे पता है, आई विल गेट एच। अगेन एच यहाँ पे पुट करो, क्यू निकालो, एच एच डेल्टा डी, सरफेस एरिया भी चेंज होगा क्योंकि हाइट चेंज हुआ है, विड्थ चेंज हुआ है, और ट्वाइस किया क्योंकि बोथ सरफेस एरिया, टी एस टी बी तो सेम था, एच मुझे यहाँ से मिला था, मैंने पुट किया, देन आई विल गेट क्यू टू। तो इनिशियली कितना था, ये 25.509, और अभी कितना हुआ 143। मीन्स अगर मैंने उसका डायमेंशन लेस कर दिया तो उसका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा। अभी केस थ्री, इफ द प्लेट इज हॉरिजेंटल, गाइज अभी तक प्लेट क्या था, वर्टिकल था, बट अभी क्या है, वो हॉरिजेंटल है विथ सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ केस वन। तो केस वन का डायमेंशन क्या था, हाइट, मतलब इस बार लेंथ उसका 100 सेंटीमीटर होगा और उसका विड्थ 25 सेंटीमीटर है, बट इस बार प्लेट का आपको कैसे पकड़ना है, हॉरिजेंटल में। ओके बाकी सेम, आपको हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करना है। ओके और हॉरिजेंटल में हमें पता है, हॉरिजेंटल में एलसी क्या होता है, विड्थ प्लस लेंथ डिवाइड बाय 2, सो एलसी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। सो एलसी चेंज होगा तो जीआर चेंज होगा, बट प्रांटल नंबर का कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि म्यू सीपी और के तो चेंज नहीं हो रहा है। फिर वापस से आप क्या करोगे, जीआर पीआर निकालोगे, अगेन 9.748 × 10⁸, विच इज लेस देन 10⁹। तो आप क्या करोगे, ये डायमेंशन सी इज इक्वल टू 0.59, एम इज इक्वल टू 1/4 को चूज करो और नसल नंबर फाइंड आउट करो। ओके वो कितना आया 104.2। नसल नंबर को यूज करके आप एच को फाइंड आउट करो, फिर एच को यहाँ पे पुट करो, क्यू थ्री फाइंड आउट करो। ओके तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा, रिपीट होगा, और फाइनल में उन्होंने क्या बोला है, वॉट इज द परसेंटेज चेंज इन हीट लॉस, परसेंटेज चेंज इन हीट लॉस। ओके तो इनिशियली केस वन में कितना था, इनिशियली केस वन में था 25.509, और अभी कितना आया 169.23। ओके तो अगर मैं सेम प्लेट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली अगर उसको एयर में कंसीडर करता हूँ तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हुआ। ओके इनिशियली 25 था, अभी 169, मतलब सिर्फ उसका पोजीशन चेंज हुआ तो इतना चेंज हुआ।
So find a percentage of heat loss. So percentage of increasing heat loss is equal to maximum value minus minimum value divided by minimum value. ये फॉर्मूला आपको पता है. तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 169, मिनिमम वैल्यू कितना है 25. तो डिवाइड बाय Q1 किया इनटू 100, देन यू विल गेट कि 563% से वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो गाइस ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, बाकी प्रोसीजर सेम है. GR निकालो, PR निकालो, रेनॉल्ड नंबर निकालो, कुछ रिलेशन दिया होगा उसमें पुट अप करो, फिर नसल नंबर निकालो, नसल नंबर से H निकालो, H को यूज करके Q निकालो. ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ क्यूबिकल फर्नेस ऑफ 1 meter साइड रेस्ट ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर. फ्लोर इज कंसिडर क्यूबिकल है, तो क्यूबिक, तो क्यूब का साइज कितना है, साइड कितना है 1 meter साइड, और कहाँ पे रखा है, रेस्ट ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर पे. फ्लोर इज कंसिडर्ड टू बी इंसुलेटेड, मतलब उस क्यूब का नीचे का लेयर है, सरफेस है, वो कैसा है, इंसुलेटेड है. तो गाइज मुझे आप बताओ कि क्यूब को साइड कितना होता है, क्यूब को साइड कितने होते हैं टोटल, नीचे ऊपर आगे पीछे और साइड में दो. तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से साइड में से नीचे वाला जो सरफेस एरिया है वो तो काम का नहीं है क्योंकि वो इंसुलेटेड है. तो बचे कितने सरफेस एरिया, 5. सरफेस का टेम्परेचर इज 80 degrees Celsius, सराउंडिंग एयर इज एट 20 degrees Celsius. सराउंडिंग एयर मीन्स टीबी. Find out the rate at which the heat is being lost to the surrounding. Cube में से जा रही है surrounding में, means medium change हो रहा है. So medium change होगा तो convection. Neglect the heat loss due to the conduction and radiation. वैसे भी उन्होंने mention किया, conduction नहीं हो रहा है, radiation नहीं हो रहा है. Also neglect the heat loss from the bottom furnace. ये नहीं बोला होता तो भी समझ जाना है क्योंकि नीचे का layer क्या है, insulated है. Thermophysical properties are given as, अभी गाइज यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज आपको ऐसा दिया है 20, 50 degrees Celsius और 80 degrees Celsius पे रो इतना है, सीपी इतना है, म्यू इतना है, के इतना है. तो गाइज यहाँ पे देखो कि इसमें से मैं चूज कौन सा करूँ, तो इसलिए आपको हिंट देता हूँ, आपको क्या करना है, एवरेज करना है. सरफेस का कितना है 80 और सराउंडिंग का कितना है 20, और हम दोनों का अगर फिल्म कंसिडर करते हैं 80 + 20 100 होता है, डिवाइड बाई 2. तो मुझे सरफेस और मुझे एयर के बीच का फिल्म टेम्परेचर कंसिडर करना है. सो यहाँ पे आप कभी भी ना, अगर आपको ऐसा टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो टीएफ के बेस पे. तो वही आपका क्या रहेगा, पर टीएफ कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे टीएस कितना है 80. ओके, और एयर का कितना है 20 डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 2 50. तो मुझे ये प्रॉपर्टीज काम का है, तो मेरा रो इतना, सीपी इतना, म्यू इतना, के इतना. सो उसको आप कॉपी करोगे. चलो देखते हैं डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. सो मिसेलेनियस सॉलिड है जिसका नीचे का सरफेस एरिया बिना काम का है, तो सरफेस एरिया टीएस 80 डिग्री सेल्सियस है, एयर का टेम्परेचर 20 है, एयर साइड जो है 1 meter है. सेलेक्ट द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज बेस ऑन टीएफ ओनली, ये तो मैंने आपको सिखाया वहाँ पे, टीबी प्लस टीएस डिवाइड बाई 2 कर दो, 50 डिग्री सेल्सियस का प्रॉपर्टी चूज करो, और फिर आपको रिलेशन दिया था. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट ये रिलेशन गिवन रहेगा, विदाउट रिलेशन ये आएगा नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा. टेंशन मत लो, ये हमेशा गिवन ही होता है.
नसल नंबर इज इक्वल टू 0.14 ग्रेशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखने के बाद आपको देखना है उसका एलसी। तो ये मिसेलेनियस सॉलिड है, ओके। यहाँ से हीट अंदर पास भी होगी, बाहर भी निकलेगी। तो यहाँ पे किसी भी साइड में जाओ तो टेंशन ही नहीं है, सब क्यूब का साइड क्या ए है। तो 1/LC इज इक्वल टू 1/A + 1/A, ये अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था। ओके, ये कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हुआ। सो ए बाय टू एलसी आपको मिल जाएगा, उसका इन्वर्स करना है। नेक्स्ट टीबी दिया हुआ है, फिल्म टेम्परेचर आपका कितना आया था 50 डिग्री सेल्सियस, टीबी प्लस टीएस डिवाइड बाय टू करके केल्विन में कन्वर्ट किया था। फिर केल्विन में केल्विन का इन्वर्स करके आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। तो ग्रेशॉफ नंबर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ग्रेशॉफ नंबर चाहिए, फ्रंटल नंबर चाहिए। तो एलसी क्यूब रो स्क्वायर बीजे डेल्टा टी अपॉन म्यू स्क्वायर। क्या मुझे ये सारे प्रॉपर्टीज दिए हैं, एलसी मैंने निकाला, रो मुझे उन्होंने गिवन था, बीटा मैंने निकाला हुआ है, जी 9.81 होता है, डेल्टा टी कहाँ से है, तो टी एस माइनस टी बी ये भी गिवन है, म्यू भी दिया हुआ है। तो आपको इजिली क्या मिलेगा, ग्रेशॉफ नंबर, फ्रंटल नंबर म्यू सी पे अपॉन के, ये भी वैल्यूज गिवन है, सो यू विल गेट फ्रंटल नंबर। दोनों को प्रोडक्ट निकालो, इस बार सी और एम चूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। 0.14 और प्रोडक्ट रेस्ट टू 1/3 करो, देन यू विल गेट नसल नंबर। नसल नंबर क्या होता है, एच एल सी अपॉन के। तो नसल नंबर पता है, एल सी आपको पता है, के आपको पता है, देन यू विल गेट एच। क्यू इज इक्वल टू एच एस डेल्टा टी, एच ए एस टी एस माइनस टी बी। अभी बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, तो सरफेस एरिया चूज करना। गाइज मुझे बताओ क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर लेंथ इनटू विड्थ। बट ऐसे कितने सरफेस एरिया काम कर रहे हैं, क्यूब को कितने सरफेस एरिया होते हैं, 6। ओके, बट ग्राउंड का जो है सरफेस एरिया वो क्या है, इंसुलेटेड है। तो टोटल सरफेस एरिया कितने अवेलेबल है हीट एक्सचेंज के लिए, 5। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5a² तो सारी वैल्यूज आपके पास है, देन पुट एंड आंसर विल बी 1899 वाट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। सो गलती कहाँ पे हो सकती है, आइदर एलसी चूज करने में या तो फिर सरफेस एरिया चूज करने में। मोटरसाइकिल इंजन सिलेंडर हैज 10 फेस, ईच हैव आउटर डायमीटर 15 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर। सो गाइज अगर आपने इंजन के सिलेंडर का फिन बोला, आउटर और इनर दिया है, तो यहाँ पे शेप कौन सा होगा, ऐसा शेप होगा, आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, क्यों पूछा है, फ्रॉम द सिलेंडर फिन्स, और टोटल फिन्स कितना है, 10 है, व्हेन मोटरसाइकिल इज स्टेशनरी। सेकेंड, व्हेन मोटरसाइकिल इज रनिंग एट अ 60 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी गिवन है। एटमोस्फेरिक एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टीबी दिया हुआ है। एवरेज फिन सरफेस टेम्परेचर टीएस दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 250, तो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली गिवन है, रो दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, सीपी दिया है किलो जूल पर केजी केल्विन में, के दिया है। तो गाइस किलो जूल में दिया ना, उसका हमेशा कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पे वैट यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे जूल यूज करूंगा, तो ये अलग से मैं बोलूंगा नहीं कभी, बट आपको समझ जाना है किलो जूल दिया है तो उसको 10:3 करना है। मैं यहाँ पे वैट, अगर यहाँ पे भी किलो वैट होता है तो यहाँ पे किलो जूल में रखता हूँ। म्यू दिया है 42.61 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और फिर यूज रिलेशन बोला है, ओके, दो रिलेशन दिए। सो मैंने आपको पहले से बोला था जब ग्रेशॉफ नंबर यूज होता है तो होता है फ्री कन्वेक्शन, और जब रेनॉल्ड नंबर यूज होता है तो होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो आप मुझे बताओ मोटरसाइकिल स्टेशनरी, स्टेशनरी है तो फ्री कन्वेक्शन, तो कौन सा कन्वेक्शन, कौन सा टाइप यूज करोगे, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, तो ग्रेशॉफ नंबर फ्रंटल नंबर। जब आपका मोटरसाइकिल रन हो रहा है उसका वेलोसिटी है, तो क्या यूज होगा, रेनॉल्ड नंबर वाला रिलेशन। ओके, मतलब आपको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है,
और वन मोर थिंग, यहाँ पे फिन्स है, कितने फिन्स है यहाँ पे? 10 फिन है, और फिन्स का अपर एंड लोअर सरफेस भी तो हीट एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है, तो टोटल एरिया कितना होगा? 2x होगा। देखो समझ में आ जाएगा, सीधा न्यूमेरिकल है और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में। फिन्स हैविंग अ लोअर एंड अपर सरफेस एरिया, वैसे उन्होंने मेंशन किया है। सो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका आउटर डायमीटर इनर डायमीटर दिया होता है, टोटल 10 नंबर ऑफ फिन्स होते हैं, और फिन्स का अपर एंड सरफेस लोअर सरफेस एरिया यूज होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए। सो मुझे एनुलर सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? पाई आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, सो π/4 d, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। बट अपर एंड लोअर सरफेस एरिया यूज होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सो बोथ सरफेस एरिया अपर एंड लोअर इंटू, ऐसे कितने फिन्स यूज हुए हैं? टोटल 10 फिन्स यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इंटू 10 किया। सो मतलब मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? 2π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू 10। तो ये समझ में आ रहा है क्या? इज देयर एनी डाउट? ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि अपर एंड लोअर सरफेस एरिया। ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि 10 फिन्स है। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। सरफेस टेम्परेचर दिया है, टीवी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसका कन्वर्जन किस में करोगे? मीटर पर सेकंड में करोगे। टीएफ, टीवी प्लस टीएस दिया था, अगर नहीं भी दिया तो भी एवरेज करो, 480 प्लस 20 500, 500 डिवाइड बाय 2 250। सो टीएफ आपको दिया है, रो दिया है, सीपी दिया हुआ है, रो आ दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, और आपको क्या दो रिलेशन दिया है, आपको हीट फाइंड आउट करनी है, एक स्टेशनरी के लिए, मूविंग के लिए। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ स्टेशनरी के लिए। तो गाइस शेप देखो, एनुलर है डिस्क, तो उसका एलसी कितना आएगा? 0.9 आउटर डायमीटर, तो अंदर का कुछ भी यूज नहीं है, 0.9 आउटर डायमीटर। तो यहाँ पे मैं एलसी फाइंड आउट करता हूँ, एलसी इज इक्वल टू 0.9 आउटर डायमीटर, देन आई विल गेट दिस वैल्यू। सबसे पहले केस वन के लिए सॉल्व करते हैं स्टेशनरी के लिए। तो स्टेशनरी के लिए मुझे क्या लगेगा? ग्रेशॉफ और फ्रंटल, तो ग्रेशॉफ और फ्रंटल में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एलसी तो मुझे पता है, रो मुझे गिवन है, बीटा, बीटा कहाँ से आएगा? 1/TF, TF हमें पता है 523 केल्विन का इन्वर्स करना है। डेल्टा टी कहाँ से आएगा? TS और TB का डिफरेंस, वो भी गिवन है। म्यू कहाँ से आएगा? म्यू आएगा म्यू रो से, म्यू दिया है, रो दिया हुआ है, तो ऐसा करके आप म्यू भी फाइंड आउट कर दिया, मतलब सब कुछ वैल्यूज आपके पास रहेगी। फ्रंटल नंबर म्यू सीपी अपॉन के, ये सब कुछ गिवन है, तो ग्रेशॉफ नंबर फ्रंटल नंबर आप फाइंड आउट करो। फिर उसको क्या करोगे? नसल नंबर के इस इक्वेशन में पुट करना है, फाइंड आउट करना है आपको नसल नंबर, ओके, जो कि मुझे मिला 28.85। बट नसल नंबर क्या होता है? HLC अपॉन के, तो नसल नंबर पता है, LC पता है, K पता है, यू विल गेट H, और Q क्या होता है? HS TS माइनस TB, सो H आपको पता है, सरफेस एरिया हमने स्टार्टिंग में देखा है, गिवन डेटा में लिखा है, TS माइनस TB कर दो, यू विल गेट Q1, 1104.37 वाट। सो गाइस प्रोसीजर सेम ही है, खाली LC चूज करते हुए गलती मत करो। नेक्स्ट अभी सॉल्व करते हैं रनिंग कंडीशन के लिए, ओके। इन मूविंग कंडीशन रेनॉल्ड नंबर यूज होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या? रो विल अपॉन म्यू, सो रो दिया था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुट किया, एलसी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, म्यू अपने पास है, यू विल गेट रेनॉल्ड नंबर, फ्रंटल नंबर एज इट इज म्यू सीपी बाय के, वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं केस वन में, पुट करो यहाँ पे, नसल नंबर फाइंड करो, नसल नंबर से HLC बाय के करके H फाइंड आउट करो, फिर HS डेल्टा टी के फॉर्मूले में पुट कर दो। सरफेस एरिया हमने ऊपर देखा है 2π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू 10, देन यू विल गेट, सिर्फ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, वहाँ पे 110 था, यहाँ पे 739, मतलब हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? फोर्स कन्वेक्शन में, ओके। चलो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इस वीडियो का। एयर स्ट्रीम एट 27 डिग्री सेल्सियस is moving with velocity 0.3 meter per second. Air का temperature दिया है,
फिर वेलोसिटी दिया है, मीन्स रेनॉल्ड नंबर यूज हो सकता है, अक्रॉस 100 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब। अरे हाँ, ये पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक वैट का बल्ब होता था 100 वैट का, तो यहाँ पे हीट दिया है। ये 100 वैट का बल्ब क्या इंडिकेट करता है? हीट ऑलरेडी दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। बल्ब का टेम्परेचर 127, तो उसका सरफेस टेम्परेचर कितना है? 127। एयर का टेम्परेचर कितना है? 27। इफ द बल्ब इज अप्रोक्सीमेट 60 mm डायमीटर ऑफ स्पीयर, उसका शेप कैसे होता है बल्ब का, स्पीयर का डायमीटर कितना है? 60 mm, कन्वर्ट करो इसको। एस्टिमेट हीट ट्रांसफर रेट एंड परसेंटेज ऑफ पावर लॉस बाय द कन्वेक्शन, परसेंटेज ऑफ पावर लॉस आपको निकालना है बाय द कन्वेक्शन। देखो ऑलरेडी हीट दिया है और फिर भी पूछा हीट ट्रांसफर रेट, मतलब हीट ट्रांसफर रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है? कन्वेक्शन का, और फिर परसेंटेज ऑफ पावर लॉस ये आपको शो करता हूँ। आप प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, न्यू दिया है, के दिया है, प्रांटल नंबर दिया है और रिलेशन दिया हुआ है। गाइस अभी यहाँ पे देखो क्या मजा है, 0.37 रेनॉल्ड नंबर -0.6 प्रांटल नंबर -0.6, बट ऑलरेडी प्रांटल नंबर मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा इक्वेशन, नसल नंबर इज इक्वल टू 0.297 रेनॉल्ड नंबर -0.6। तो मैंने उधर ही उसको सॉल्व करके ले लिया। एयर का टेम्परेचर 27, वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये देखो वेलोसिटी दिया था ना 0.3 मीटर पर सेकेंड, ओके। और 100 वैट का बल्ब है, मीन्स वो कितना हीट कंजम्पशन कर रहा है? 100 वैट। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? क्यू इनलेट। टीएस कितना दिया? 127। तो मुझे मीन फ्रीम टेम्परेचर, मतलब दोनों का क्या करना है, एवरेज 127 प्लस 27 करो डिवाइड बाय 2 तो 77, तो टीएफ मिल गया। डायमीटर दिया है 60 mm, 60 × 10⁻³ मीटर। ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्पीयर है। न्यू दिया है, के दिया है, प्रांटल नंबर को डायरेक्टली यूज करके हमने एक नसल नंबर का इक्वेशन बनाया था 0.37 रेनॉल्ड नंबर -0.6, ओके। आपको फाइंड आउट करना है क्यू, और क्यू कन्वेक्शन का हीट लॉस, मतलब अगर मैं बल्ब को 100 वैट दे रहा हूँ तो उसमें से कन्वेक्शन की वजह से कितना लॉस हो रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में। तो मेरा नसल नंबर यहाँ पे इक्वेशन में देखो किस पे डिपेंड है, रेनॉल्ड नंबर पे। तो रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं रोवील अपॉन व्यू करके, बट व्यू दिया नहीं था सो तो न्यू रो किया, तो रो कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या? वी बार एल सी अपॉन न्यू। बट एल सी क्या आएगा? स्पीयर का डायमीटर होता है 60 × 10⁻³। स्पीयर का डायमीटर ही आपका क्या होता है? एलसी होता है, लाइक दिस, ओके। सो वेलोसिटी पता है, एलसी पता है, म्यू पता है क्योंकि रो कैंसिल हुआ था, मैं तो ढूंढते बैठोगे कि ये रो गया कहाँ पे, सो यू विल गेट नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर का यूज क्या होता है? एचएलसी अपॉन के करके आपको एच निकालना है, फिर एच यहाँ पे पुट करना है। बट अभी गाइस मुझे बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या कितना होता है? 4π² होता है। तो ये फॉर्मूला को भूलना मत। डायमीटर दिया था आपको, रेडियस पता चलेगा, एच आपको पता है, यहाँ से पता चला है, टीएस पता है, टीबी पता है, यू विल गेट 9.73। तो गाइस मेरा जो बल्ब है वो 100 वैट का है और उसमें से कन्वेक्शन में लॉस कितना हो रहा है? 9.7973 हो रहा है। तो मुझे क्यों मिल गया, मुझे दूसरा फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ हीट लॉस, तो कितना लॉस होगा? तो मैं सिंपली काम करता हूं, कन्वेक्शन डिवाइड बाय टोटल हीट इनटू 100। कन्वेक्शन कितना लॉस हो रहा है? 9.73। टोटल हीट कितना था? 100 वाट इनटू 100, सो 9.73% लॉस होता है 100 वाट के बल्ब में। गाइस देखा इतने न्यूमेरिकल्स आसान है, तो देखते आसान है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करो, ओके। टुडे आई विल स्टॉप हियर, उसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप सेकेंड वीडियोस में हम कवर करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।